अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे, लेकिन साइज की बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइज के हिसाब से हमारे पास बड़ा कंप्यूटर था वो था सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर था। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज में वो सारे कंप्यूटर से बहुत बड़ा था। मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग जितना जो है वो बड़ा कंप्यूटर होता था। उसके बाद इसके अंदर जो है हमारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स थे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के जो है नीड को हैंडल करता था एट ए टाइम। उसके बाद डिजाइन फॉर सॉल्विंग वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, काफ़ी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और जो एक्सट्रीम कैलकुलेशन थी उनके लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए थे। उसके बाद अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो ये वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते थे या होते हैं, मिलिट्री के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च लैब्स वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। और ये आपके पास जो है इसकी एक फोटोग्राफ आ गई है जिससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये इतना बड़ा कंप्यूटर है बेसिकली। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास साइज के हिसाब से जो सेकंड नंबर पे आता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। इनको हम बेसिकली मैक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं और बिग आयरन भी कहते हैं। ये भी जो है वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर ये उनसे छोटे होते हैं और उनसे कम जो है वो पावरफुल होते हैं हमारे पास। उसके बाद ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें इस्तेमाल होते हैं। जो पहले हमारे पास मेन फ्रेम्स आए थे वो तकरीबन रूम साइज फ्रेम्स जितने होते थे, या उसका जो मेटल बॉक्स होता था वो एक कमरे जितना बड़ा होता था। लेकिन आजकल जो मेन फ्रेम्स थे वो एज कम्पेयर टू अर्ली उनसे साइज में छोटे होते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इसकी एक फोटो मैंने आपको दिखाई हुई है जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स साइज के हिसाब से ये जो है वो एक तो साइज में छोटे होते हैं और लेस पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, पर स्टिल ये भी ह्यूज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं। मतलब काफ़ी जो है ना, मतलब बड़ी कैलकुलेशंस वगैरह ये भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनकी अगर हम साइज को देखें तो जैसे आपके घर का रेफ्रिजरेटर होता है या कुछ कैबिनेट्स हो गए, इतनी साइज ये कंज्यूम करते हैं मिनी कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर्स काफ़ी जो है वो आपका लंबा चौड़ा पॉइंट है, इसमें टॉपिक है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर इनको सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि हम इनको माइक्रो कंप्यूटर्स क्यों कहते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि इनको माइक्रो कंप्यूटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के बारे में आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा, जब आप लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि कितना माइक्रो प्रोसेसर है, कितने प्रोसेसर है इसके अंदर। दूसरा, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही छोटी स्पेस लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आपका हो गया, एक टेबल चाहिए होती है उस पर हम इसको रख देते हैं, और इसको एक वक्त में एक बंदा इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हम इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। अब आते हैं इनकी कैटेगरीज की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास छः टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर सेकेंड वर्क स्टेशन, नंबर थर्ड नोटबुक कंप्यूटर, नंबर फोर्थ टैबलेट पीसीज, नंबर फिफ्थ हैंडहेल्ड कंप्यूटर एंड नंबर सिक्स स्मार्टफोन। तो आइए देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ कि भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपके पास जो आजकल आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ये बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इनको हम कहते हैं, और इनको एक वक्त में एक ही आदमी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और ये आपके किसी भी घर की टेबल वगैरह पे आप इसको इजीली रख सकते हैं। और ये वाइडली इस्तेमाल होता है घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, आपने देखा भी होगा, सो ऑन एंड ऑन। उसके बाद हमारे पास जो इनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट पे मैं एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा। काफ़ी दफ़ा आपने जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, जिसको आप सीपीयू कहते हैं, जो डब्बा होता है उसको आप कहते हैं कि ये सीपीयू है कंप्यूटर का, तो वो सीपीयू नहीं होता। सीपीयू मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि भाई सीपीयू क्या चीज़ है। उसको हम उस डब्बे को बेसिकली हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। तो टेक्निकल टर्म्स में जो आप टर्म यूज़ करते हैं सीपीयू, मॉनिटर, तो वो सीपीयू नहीं होता, वो आपका सिस्टम यूनिट होता है। उसके बाद उसके अंदर जो मॉनिटर होता है एलसीडी या एलईडी, कोई भी आप इस्तेमाल करें, और माउस, कीबोर्ड एंड स्पीकर, ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। तो इसकी मैं बात करता हूँ, ये जो डब्बा पड़ा हुआ है इसको आप क्या कहते हैं, इस डब्बे को आप बेसिकली कहते हैं कि भाई ये सीपीयू है। तो ये सीपीयू नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन ये भी आपके बेसिकली सेम जो है उसी तरीके से होते हैं
जैसे आपके डेस्कटॉप होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये आपके हाई एंड डेस्कटॉप होते हैं। हाई एंड का क्या मतलब है कि हाई एंड का मतलब ये कि आपकी इनमें जो आपके ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हो गए या इनकी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो हाई परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं। आपने देखा होगा घरों में कि आपके जो घर पे कंप्यूटर पड़ा होता है वो मतलब कि कोड टू डू वगैरह इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जो जिसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें चलाते हैं तो फिर वो मर्ज हो जाता है। लेकिन वर्क स्टेशन में ये होता है कि आप जो है उनको गेमिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और जब हम कोई प्रोग्रामर्स होते हैं तो उनको हाई मशीन चाहिए होती है। मतलब हाई मशीन से क्या मतलब है कि उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर जो है आपकी रैम ज़्यादा होती है, हार्ड ड्राइव ज़्यादा होती है, SSDs लगी होती हैं, सो ऑन। मतलब कि एडवांस्ड वर्जन जो आपके डेस्कटॉप का होता है उनको हम बेसिकली वर्क स्टेशन कह सकते हैं, और वो इस्तेमाल होते हैं आर्किटेक्चर के लिए, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, एनिमेशन के लिए, गेमिंग के लिए, सो ऑन एंड ऑन। उसके बाद हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर्स आते हैं, इनको हम मोस्टली लैपटॉप भी कहते हैं। लैपटॉप और इसके जो मेन एडवांटेज होता है ओवर दीज कंप्यूटर्स वो ये होता है कि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और इनको हम इजीली कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं, तो इनको हम पोर्टेबल भी बेसिकली कहते हैं। और ये पोर्टेबल वर्ड का मतलब ये है कि आप उसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। अब जैसे कि इनके अंदर बिल्ट इन कीबोर्ड और मॉनिटर होते हैं, दैट्स वाई ये आइडियल होता है ऑफिस के लिए या ऑफिस के जो वर्क प्लेस होते हैं उस जगह के लिए। और इसकी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो इमेज आपके पास आ गई है, और इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने लैपटॉप ऑलरेडी देखे होंगे। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है टैबलेट, सॉरी कैटेगरी आती है टैबलेट। अब टैबलेट जो है उसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये श्रंकिन नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं जो कि मोबाइल की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। उसके बाद टैबलेट पीसी जब टच स्क्रीन, इनमें टच स्क्रीन होती है जिनको हम इनपुट देते हैं या तो स्पेशल पेन के थ्रू जिनको हम डिजिटल पेन कहते हैं या स्टाइलस कहते हैं, या फिर हम इनको फिंगर टच के थ्रू जो है इनपुट वगैरह देते हैं, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया, और ये एग्जाम्पल आ गई टैबलेट की। आपने टैबलेट भी काफ़ी अपनी लाइफ में देखे होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हैंड हेल्ड पीसी। अब हैंड हेल्ड पीसी जो है वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, ये तमाम स्मॉल डिवाइसेस होते हैं, इतने छोटे कि वो आपके हाथ में आ जाते हैं। इसी रीज़न की वजह से हम इनको पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं। अब इनकी काफ़ी हमारे पास जो है वो टाइप्स मौजूद है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है वो है आपकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। ठीक है, आइडियल फॉर टेकिंग वेरी स्मॉल डेटा, मतलब छोटे मोटे डेटा के लिए ये बेस्ट होते हैं, और इनमें कोई ज़्यादा डेटा हम नहीं स्टोर कर सकते एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये एक एग्जाम्पल है PDA की। अब ये आपका जो है यहाँ पे PDA को आप यूँ अज्यूम करें कि ये आजकल आपको देखने में बहुत कम नजर आते होंगे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में तो हार्डली ही आपको कहीं पे ये चीज़ें PDAs नज़र आते हो, लेकिन स्टिल ये काफ़ी जगहों पर काफ़ी लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली हमारे यहाँ पे जो है वो लोग स्मार्टफोन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आईफोन हो गया, सो ऑन एंड ऑन। तो हैंड हेल्ड पीसीस को हम आजकल पाकिस्तान में मुझे देखने में इतने नहीं आते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्मार्टफोन्स। अब ये आपका जो है वो फुल फीचर्ड मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा ये आपके सेलुलर फोन्स होते हैं, मतलब जिस पे आप जो है वो कॉल वगैरह करते हैं, और इसके अलावा जो है इसमें काफ़ी ऐसी फंक्शनलिटीज होती हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल सेलुलर फोन में नहीं मिलती। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सेलुलर फोन से कि कौन सी ऐसी इनमें चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिशनल सेलुलर फोन में नहीं मिलते। तो जो आपने नोकिया 1112 हो गया, या नोकिया की जो मोबाइल आते थे पुराने ज़माने में, उनमें आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाते थे, उनमें आप वेबसाइट ब्राउजिंग नहीं कर पाते थे, ईमेल एक्सेस नहीं कर सकते थे, कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर सच एज पर्सनल ऑर्गेनाइजर या टू डू लिस्ट हो गया, या स्पेशल हार्डवेयर नहीं होता था उसमें, डिजिटल कैमराज नहीं होती थी। आप उनमें म्यूजिक प्लेयर आई थिंक आप चला लेते थे, लेकिन प्लेयर्स नहीं होते थे जैसे आजकल हमारे पास म्यूजिक के काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप आ चुकी हैं। तो स्मार्टफोन्स इनको स्मार्ट बनाता ही इसलिए है क्योंकि ये आपका एक फुल फीचर्ड मोबाइल कंप्यूटर होता है, इसके थ्रू आप अपना सारा वो काम कर सकते हैं जो कि आप एक कंप्यूटर में करते हैं, जैसे वेबसाइट की ब्राउजिंग करना, ईमेल, सो ऑन एंड ऑन।
तो ये सारी चीजें आप स्मार्टफोन्स में कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।